नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के लिए वृषभ राशि का क्या राशिफल होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यह देखेंगे कि किस ग्रह स्थिति या फिर कौन सी ग्रह स्थिति सितंबर महीने में बदल रही है। मित्रों, ये जो सितंबर महीना है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले जो 1.5 महीने थे उसमें कई जो ग्रह थे वो वक्री अवस्था में थे, वो अभी मार्गस्थ हो रहे हैं। जैसे कि मंगल वक्री अवस्था में था, वो मार्गी हो रहा है। उसके बाद शनि जो कि वक्री अवस्था में थे, वो दिनांक 6 तारीख से मार्गी हो रहे हैं, कि जो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे परिणाम लाएंगे आपके राशि के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप अपने पास पेन या नोटपैड लेके रखें, तो मेरे ख्याल से जो भी मैं अच्छे दिन या फिर शुभ दिन और अशुभ दिन आपसे कहूंगा, वो अगर आप नोट करके रखेंगे तो जो ये जो महीना आने वाला है उसके नियोजन के लिए आपको ये बहुत बेहतर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सितंबर महीने के पहले दिन मतलब 1 तारीख के दिन जो चंद्रमा रहेगा वो आपके व्यय भाव में होगा। तो सिर्फ एक ही दिन की बात है, 1 तारीख के मतलब जो पहला दिन है उसमें आपकी जो मानसिकता है वो इतनी सहज और सरल नहीं रहेगी। आप ज़्यादा सोच विचार में रहोगे, क्योंकि जो ग्रह स्थिति अभी जो नॉर्मल होते हुए नजर आ रही है, इसकी वजह से आपको एक आत्म में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। आप सोच विचार में रह सकते हैं कि जो भी काम आपके थोड़े से अड़े हुए थे करीबन पिछले 1 से 1.25 महीने तक, या तो फिर धीरे धीरे चल रहे थे, उसको गति में कैसे लाया जाए उसी के बारे में आप सोचेंगे 1 तारीख के दिन। उसके बाद 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख के दोपहर 3 बजे तक का जो समय है, उस समय यह जो चंद्रमा है वो आप ही के राशि में माने वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो ये जो दिन है, इस दिन में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, आपका जो आत्मविश्वास रहेगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में स्थित मंगल से ये जो चंद्रमा है वो नव पंचम योग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपने सोचा था वो प्रत्यक्ष रूप में किस तरह से आ सकता है उसके बारे में ज्यादा सोच विचार करेंगे और उसके ऊपर आप अमल भी करना शुरू कर दोगे। तो ये जो दिन है, दिनांक 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख के दोपहर 1 बजे के समय, वो आपके लिए शुभ है। और इसी दरमियान कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे आइडियाज भी निकल के आएंगे जो कि आपके लिए अच्छे होंगे, आपके भविष्य के लिए भी अच्छे ही होंगे। उसके बाद का जो समय है मतलब 4 तारीख के दोपहर 1 बजे से लेकर 5 तारीख, 6 तारीख के दोपहर सुबह 9:46 का तक का जो समय है, उस दिन यह जो चंद्रमा है वह आपके द्वितीय स्थान से मतलब मिथुन राशि में चलेगा। इस दिन जो आपका स्वभाव है, जो आपका नेचर है, मतलब आपकी जो राशि है वो पैसे कमाने में ज्यादा विश्वास रखती है। तो ये जो भाव है इसमें आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, और किस तरह से पैसे सेविंग करने हैं और आपके फैमिली के लिए, आपके कुटुंब के लिए किस तरह से ये पैसे खर्च करने हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार होगा। किस तरह से सेविंग करना है, किस तरह जो पैसे है वो कमाने हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो यह जो दिन है ये भी दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन होंगे। इसके बाद का जो समय है मतलब 6 तारीख के सुबह 9:46 से 8 तारीख के सुबह 10:30 का जो समय है, उस समय जो चंद्रमा है वो चंद्रमा आपके तृतीय भाव से भ्रमण करेगा। तो इस दिन आपने जो भी काम सोचे थे उसके ऊपर किस तरह से अमल किया जाए, मतलब आप पूरी तरह से पूरे जोरों से उस काम पे लगोगे, लेकिन आपको लगेगा कि जो भी योजनाएं आपने की है उसमें कई जो योजनाएं हैं वो फंसने के थोड़े बहुत चांसेस लग सकते हैं। मतलब ऐसी कोई घटना होगी, ऐसी कोई बात आपको समझ में आएगी को आपके लगेगा कि जो भी हमने सोचा था वो पूरा होगा या नहीं, मतलब थोड़े से आप दुविधा में हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो भी आपने सोचा था वो पूरे होने, क्योंकि बाकी को जो भी स्थिति है वो आपको लगे कि जो आपने सोचा था वो पूरी तरह से हो भी जाएगा, सामने से भी जो आपको मदद की आकांक्षाएं थी, अपेक्षा थी, वो पूरी होते हुए नजर आएगी, लेकिन जो सोचा था वो असल में होने वाला है या नहीं, मतलब क्यों कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसके ऊपर आप सोचोगे कि ये अगर मैं करूँ तो मैं फंस सकता हूँ, या तो फिर आपकी जो योजना है वो खराब हो सकती है, उसमें कुछ बाधा आ सकती है। तो असल में ऐसी बात होगी नहीं, लेकिन ये जो मैंने समय बताया उस समय आपकी मानसिकता वैसे होने की संभावना है। उसके बाद का जो समय है मतलब 8 तारीख के सुबह 10:30 से लेकर
10 तारीख से 10 तारीख के सुबह 11 बजे तक का जो समय है उस समय में आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, क्योंकि आपकी जो राशि है वो हैप्पी गो लकी इस किस्म के है। मतलब थोड़ा आराम करे, थोड़ा पैसा कमाए, थोड़ा काम करे, थोड़ा आराम करे, इस तरह की आपकी राशि है। तो मेरे ख्याल से ये जो दिन है इस दिनों में आप थोड़ा सा आराम करना पसंद करोगे, क्योंकि इसके पहले के जो दिन थे उसमें थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस आएगा जरूर, क्योंकि पूरी ताकत से आपने जो योजना बनाई थी उस योजना में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा माइंडसेट आपका स्ट्रेस में जाएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा आराम करके उसी योजना पे कुछ अलग तरीके से कुछ अमल किया जा सकता है या नहीं उसी के बारे में सोच विचार होगा, और उसमें थोड़ा आप आराम जरूर फरमाएंगे। उसके बाद का जो दिन है मतलब 10 तारीख के सुबह 11 बजे से करीबन 12 तारीख के दोपहर 1:31 का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नई नई कल्पना आपको आ सकती है, नए नए विचार आपको आ सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में या फाइनेंशियल इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें जल्दी से पैसे मिलने की जो संभावना होती है, तो वो जो समय है मैंने अभी जो बताया मतलब 10 तारीख के सुबह 11 बजे से लेकर 12 तारीख के सुबह 1:31 तक का जो समय है वह जो समय है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब जो भी आप अनुमान लगाओगे पैसों के बारे में, खास करके अगर आप किसी स्टॉक में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां से जो आने वाला पैसा है वह आपके अनुमान 101% सही होते हुए नजर आएंगे, और आप में आप उसमें से मुनाफा भी कमाओगे। तो वह जो ये दो दिन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका पूरी तरह से लाभ ले। और जो भी आपका जो टाइम पास का जो समय रहता है वो आप इसमें देखोगे, मतलब आप आपके आपके मन में जो भी काम है, आप मतलब दिल को जो लुभावने वाले जो भी आपका मतलब जिसमें भी आप रुचि रखते हो वो जो काम है वो आप पूरे करते हुए नजर आओगे। अगर आप किसी के प्यार में हैं तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपका पार्टनर है मतलब आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आएगा, तो ये जो दिन है ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतेगा। और ऐसे कुछ आइडियाज भी आपको नजर में आएंगे जिसके वजह से वो जो इंट्यूशंस जो जिसे हम बोलते हैं तो वो आपके लिए बहुत काम करके जाएंगी। मतलब ऐसी अंतर से कुछ संभावना हमें नजर आती है जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि अमल करें, तो लेकिन मन में थोड़ा सी द्विधा मनस्थिति होती है कि ये जो संभावना है वो सच में होगी या नहीं। लेकिन इन दिनों में जो भी आपके अंदर से जो भी इंट्यूशंस आपको आएंगे वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे, और आगे जाके आपको उसके बारे में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद करीबन 12 तारीख के दोपहर के 1:31 से 14 तारीख के शाम के 7:14 का जो समय है वह समय आपके लिए थोड़ा बहुत टेंशन या स्ट्रेस में ला सकता है। मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ी तबीयत के बारे में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है। दूसरी बात, आप जो काम के बारे में सोच रहे थे उस समय उसके बारे में भी आप पूरी तरह से लगन से काम करोगे। कुछ अलग अलग मतलब सामने से मतलब जहां पर आप काम करते हो, जहां पर अगर आप बिजनेस चलाते हो तो वहां से भी आपको अच्छी तरह से हेल्प या मदद मिल सकती है, तो ये जो समय है वो आपके लिए अच्छा ही हो सकता है। और दूसरी बात, आपके मतलब मामा के जो घर वाले होते हैं उनसे भी आपके कुछ वार्तालाप हो सकती है, या फिर उनसे भी आपको कुछ मदद या सल्ले ऐसे मिल सकते हैं, कुछ ऐसी एडवाइस मिल सकती है कि जिसके वजह से आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मदद हो जाएगी। अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कहीं पे काम करते हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आप बिजनेस में काम करते हो, तो वहां से जो भी स्त्री वर्ग होता है उनसे आपको अच्छी तरह से कुछ ना कुछ तो मदद मिलने के बहुत अच्छे आसार बनते हैं। तो ये जो दिन है वैसे थोड़ा बहुत आपको टेंशन में ला सकता है, लेकिन अलग बात तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और सरल होगी। सिर्फ एक बात होगी, थोड़े से आपके तबीयत के बारे में आपका जो तबीयत का जो तबीयत की जो बात है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद दिनांक 14 तारीख के शाम 7:14 से
16 तारीख के सुबह 4:55 का जो समय है उसमें जो चंद्रमा है वह वृश्चिक राशि से भ्रमण करेगा, और ये जो चंद्रमा है वह चंद्रमा लाभ स्थान का जो नेपच्यून है उसके साथ नव पंचम योग करेगा। तो इसकी वजह से अगर आप किसी बिजनेस में हो तो ऐसे कुछ ना कुछ तो आइडियाज आपको आ सकती है कि जो आइडिया आपके बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायी होगी, बहुत ज्यादा लाभदायी होगी। अगर आप काम करते हो, किसी ऑफिस में भी काम करते हो, तो इस दिनों में ऐसी कुछ बात आपके साथ हो सकती है जिसकी वजह से वो जो आइडियाज है वो आपको आपके काम में बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। तो ये जो दिन है बहुत ही अच्छा है, और आपके जो जीवन साथी है, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो जीवन साथी है उनके साथ भी आपके जो संबंध है वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे, उसमें हार्मनी आ जाएगी। वैसे भी आपकी जो राशि है उस राशि में आप जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते हो, तो वो जो समय है वो और भी अच्छा आप अनुभव करोगे। उसके बाद 16 तारीख के सुबह 4:55 से लेकर 19 तारीख के शाम 5:05 तक का जो समय है उस समय में जो चंद्रमा है वह आपके अष्टम भाव से भ्रमण करेगा, और वहां पर स्थित शनि के साथ वह युति योग करेगा। लेकिन यह जो शनि है वह अभी मार्गी हुआ है, मतलब 6 तारीख से, सितंबर के 6 तारीख से यह मार्गी हुआ है, तो इस कारण इस वजह से थोड़ा बहुत बहुत सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। मतलब जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आपके जीवन में रहेंगे उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचोगे, मतलब जो भी आपने काम किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, और अगर आई है, मतलब पिछले 1.5-2 महीने में अगर उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आई है तो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचोगे, और ये जो सोचना है वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करोगे। सिर्फ आप सोचोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स थे, ये जो आपको घाटा आया था उसके बारे में क्या कर सकते हैं, और ऐसी कोई बात रहेगी कि जिससे जिसकी वजह से आपको लगता हुआ रहेगा कि ये जो मैंने काम है किया है उससे मुझे इजी मनी मिलेगा, तो इजी मनी आपको मिलने वाला तो है नहीं, उसके आसार बनेंगे लेकिन असल में वो इजी मनी इतने जल्दी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से आपके मन में यही विचार था कि कुछ ना कुछ तो काम ऐसे किया जाए जिससे की वजह से इजी मनी भी आ सकता है, लेकिन ये 1.5-2 महीने थे वो इजी मनी के लिए इतने अच्छे नहीं थे। इसके आगे मिल सकते हैं, लेकिन इन दिनों में सिर्फ आपके मन में वो विचार आएगा कि जो भी हमने किया उसमें इजी मनी तो मिला नहीं, सिर्फ हम राह ही देखते रहे। उसके बाद का जो समय है, मतलब 19 तारीख के शाम 5:05 से लेकर 22 तारीख के सुबह 6:11 का समय है, उस समय चंद्रमा है वह आपके भाग्य भाव से भ्रमण करेगा, और वहां पर स्थित मंगल और केतु के साथ वह युति योग में जाएगा। तो यह जो समय है इस समय में आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, मतलब जो भी आपने सोचा था उसके ऊपर आप असल में अमल करते हुए नजर आओगे, पूरी ताकत के साथ उसके पीछे आप पड़ जाओगे, और इसकी वजह से आपके जो भी काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। मतलब 1.5-2 महीने में पहली बार ऐसा होगा कि आपने जो सोचा है उसके ऊपर आप अमल भी कर रहे हो और वो जो काम है वो पूरे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी राशि थोड़ी सी, मतलब थोड़ी आलसी किस्म की है, मतलब थोड़ी ऐश करने वाली राशि है, लेकिन यह जो समय है इस समय में आप पूरी जोरों से काम करोगे, पूरी तरह से आप पूरा जोर लगाओगे, और आपको लगेगा भी कि हमें अभी अमल करने की जरूरत है। आप जो भी अनुमान लगाओगे आपके काम के बारे में, आपके करियर के बारे में, वो बहुत ही सीरियसली अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा आपका माइंडसेट होगा और बदला सा होगा, पूरी तरह से आप उत्साहपूर्वक, जोश पूर्वक, आपको एक जोश नजर आएगा इन दिनों में। इसके बाद 22 तारीख के सुबह 6:11 से 24 तारीख के शाम 5:25 का जो समय है उस समय यह जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके दशम भाव से भ्रमण करेगा। मित्रों, ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर सारे जो आपके सहयोगी होंगे या मित्र होंगे उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरह से मदद भी मिलेगी, और आपका जो काम करने का तरीका है उसकी सराहना भी हो सकती है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा काल आपका बीतेगा, और आपको लगेगा भी जिस तरह से आपने सोचा था आपके काम के बारे में, तो वो जो काम है वो पूरे तरह से
पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। बहुत अच्छा समय है, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद करीबन 24 तारीख के शाम 5:25 से लेकर 26 तारीख तक का जो समय है, उस समय यह जो चंद्रमा है वह आपके भाग्य एकादश स्थान से भ्रमण करेगा और वहां पर स्थित नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा है वह युति योग करेगा। तो इसका फल यही होगा कि आप थोड़े से स्वप्न अवस्था में रहेंगे, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से काम करने के बाद मुझे यह सफलता मिलेगी, कि जिसके पहले के 2-3 दिन में आपको यह लगा हुआ, आपने महसूस भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा कि ये जिस तरह से आपने काम किया है उससे ज़्यादा आपको सफलता मिली है। तो इसी के कारण आप यह जो दिन है उस दिनों में आप वही सोच विचार में रहोगे और बहुत ही अच्छा दिन बीतेगा। अगर आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छी तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसे आइडियाज और भी निकल के सामने आएंगे। बहुत अच्छा समय है और फ्रेंड सर्कल से भी, अभी दूसरी एक बात है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपके जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, आप किसी से भी झगड़ा वगैरह नहीं करते, तो इसकी वजह से आपके जो फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़े रहते हैं, तो उन फ्रेंड सर्कल से भी आपको अच्छे मदद मिलने के आसार है। तो उसके लिए पूरी एंजॉय करना और आपका लाभ भी मिल सकता है। इसके बाद का जो समय है, मतलब 27, 28 और 29 तारीख के सुबह 8:26 तक का जो समय है, उस समय यह जो चंद्रमा है वह आपके व्यय भाव से भ्रमण करेगा। व्यय भाव से भ्रमण करने के बावजूद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स या टेंशन्स आपको नहीं रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का जो शनि है उस शनि के साथ यह जो चंद्रमा है वह नव पंचम योग करेगा। थोड़ा आप जो महीने में पूरी तरह से आपने जो काम किया है उस काम करने के बाद आप थोड़े से शांत हो जाओगे, जिसे हम आध्यात्मिक टच बोलते हैं, आध्यात्मिक रूप से शांत होना बोलते हैं, वह शांति आप निश्चित अनुभव करोगे दिनांक 27, 28 और 29 तारीख के सुबह तक का जो समय है, उस समय आप वह जो शांति है वो पूरी तरह से महसूस करोगे। और ये जो काम आपने पूरी तरह से किया था पूरे महीने भर, उसके बाद खुद को थोड़ा सा शांत रखने के लिए प्रयत्न करोगे और शांत हो भी जाओगे। अच्छी बात है वह आपके राशि के लिए, क्योंकि आपने पूरे समय पूरे महीने में बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उसके लिए थोड़ा सा शांत होना भी आवश्यक होता है कि जो आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। उसके बाद का जो समय है, मतलब 29 तारीख के सुबह 8:26 के बाद 30 तारीख तक का जो समय है, उस समय फिर से आपका जो चंद्रमा है वह आपके लगन भाव में आएगा, मतलब वृषभ राशि से ही वह भ्रमण करेगा। तो ये भी जो समय है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आगे आने वाले काम भी आप इसी तरह से निपटाने का प्रयास करोगे। तो मेरे ख्याल से ये जो सितंबर का महीना है, यह महीना आपके राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। इस महीने में जो शुभ दिन है वो मैंने आपको बता भी दिए, और जो अशुभ दिन है, हालांकि अशुभ दिन अशुभ तरीके से हम उसे आंक नहीं सकते, क्योंकि उन दिनों में भी आप यही सोचोगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अच्छी बात है आपकी राशि के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा महीना है सितंबर का, वो वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसका आप जरूर लाभ लेना। तो इन दिनों में पहले तो यह होगा कि आप जहां पर काम करते हैं, पूरे महीने का अगर सारांश हम निकाले तो यह होगा कि आपके चतुर्थ भाव से रवि का भ्रमण पंचम भाव में होगा, इसकी वजह से काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, छठे भाव में गुरु मार्गस्थ हो रहा है, शुक्र भी आ रहा है, इसकी वजह से थोड़े बहुत हेल्थ के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको लग सकते हैं इसमें, लेकिन ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आपके काम में कुछ बाधा नहीं होंगे। तीसरी बात, अष्टम भाव में जो भी शनि का भ्रमण है वो भी आपके जो अड़े हुए काम थे जो कि बहुत दिन से चल रहे थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और भाग्य भाव में जो मंगल वक्री था और मंगल केतु की युति थी, वो मंगल अभी मार्गस्थ हो रहा है, तो जो भी बड़े काम जैसे कि मैंने पहले भी कहा वो अड़े हुए थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और आपको एक किक स्टार्ट मिलेगी, आपके करियर को एक किक स्टार्ट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है सितंबर के महीने में। तो मित्रों, ये था सितंबर महीने के लिए वृषभ राशि का मासिक राशिफल। आपको ये मासिक राशिफल कैसे लेगा, आपको ये मासिक राशिफल कैसे उसका अनुभव होगा,
या फिर आपने इसका कैसे अनुभव किया वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।